दोस्तों कितने संकरे और छोटे रास्ते हैं, पर हरियाली हर तरफ बिखरी हुई है। ये रास्ता दोस्तों बहुत अच्छी मंजिल की तरफ लेकर जाता है, जिसका नाम है अन्नाडेल, जहां आर्मी का म्यूजियम है जो बहुत ही देखने लायक है। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं अन्नाडेल, चलिए आइए करते हैं इसको एक्सप्लोर। ये देखिए विशाल काय तोप है और सभी लोग सेनानी लोग यहाँ गदगद हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं इस विशाल काय तोप के साथ। अभी आगे चलिए आगे दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ देखिए हजूम पहुंचा हुआ है, देखिए यहाँ पर चल रहा है कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन, कुछ ज्ञान की बातें हो रही हैं। मैं बात करता हूँ। हाँ जी सर, एक्सक्यूज मी सर, आप क्या बता रहे हैं इन्हें, आप बताएंगे थोड़ा सा आप यहाँ? हाँ जी प्लीज। हाँ जी एक्चुअली हमारा क्या, हमारा आयुर्वेद का काम है। ओके। हमारी ब्रांड है जिसका नाम है एसलीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और आज एसलीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो शिमला टारगेट अचीवर है, वो लोग आए हैं। कुछ लोग हमारे उड़ीसा से आए हैं, कुछ राजस्थान से आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपका जोश देखकर मुझे, मैं गदगद हो गया, मुझे लग रहा है मैं आर्मी हेडक्वार्टर में सही आ गया हूँ। देखिए कितना आनंद है, कितनी खुशी और उल्लास में सभी लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। यहाँ हसीन वादियों के बीच भांति भांति से आए हुए लोग, आपको हर दिशा से, पूरे भारत से यहाँ पर आपको आए हुए सेनानी लोग दिखेंगे। ये देखिए सभी लोग अपने अपने एंजॉय करते हुए। शिमला कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हर जगह जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आप आनंद लेंगे, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। इस जगह का नाम है अन्नाडेल। राजधानी शिमला का अन्नाडेल मैदान न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी ऐतिहासिकता के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। यह मैदान शिमला शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर हरियाली से घिरा यह मैदान इस समय सेना के पास है, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से इसे शिमला का दिल माना जाता है। समुद्र तल से करीब 6117 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मैदान का नाम कैप्टन चार्ल्स ने अन्नाडेल रखा था। कहा जाता है कि कैप्टन चार्ल्स सबसे पहले यहाँ आए थे। यहाँ की खूबसूरती से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी प्रेमिका के नाम पर इस मैदान का नाम अन्नाडेल रख दिया। बाद में इसे अन्नाडेल पुकारा जाने लगा। इस मैदान का इतिहास भी काफी पुराना है। 1830 के आसपास इस मैदान को एंग्लो इंडियन की मनोरंजक गतिविधि स्थल के तौर पर जाना जाता था। लोग यहाँ पिकनिक, जन्मदिन मनाने और पोलो खेलने आते थे। तब से यहाँ लोग हमेशा अक्सर घूमने फिरने के लिए आते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर के म्यूजियम का ये दृश्य, जो बहुत ही मन को लुभाता है। यहाँ देखिए आर्मी ऑफिशियल्स की जो ड्रेसेस हैं, मतलब किस ऑफिसर की कैसी ड्रेस होती है, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्टैचूज हैं जो ये दिखा रहे हैं, साथ में कुछ मेडल्स आप देखेंगे, यहाँ पर मेडल्स भी लगाए गए हैं। और आप जैसे नेवी ऑफिसर हैं और मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, तो सभी की ड्रेसेस को यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए अलग अलग तरह के यहाँ फ्लैग्स हैं, जो साउंड्स अलग अलग तरह की यूज की जाती हैं, उनको भी यहाँ पर संगठित किया गया है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। ये देखिए यहाँ चेटवुड बिल्डिंग, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसका एक मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है। ऑनर्स एंड अवार्ड सेक्शन है, यहाँ पर सारे अवार्ड्स हैं। अब देखिए ये खुदा दाद खान, फर्स्ट इंडियन जो जिनको अवार्ड दिया गया था विक्टोरिया क्रॉस, उसकी प्रतिमा यहाँ पर दिखाई गई है। और आगे देखेंगे यहाँ पर सभी अवार्ड्स और ऑनर्स जो जो दिए हैं आर्मी को, वो सारे यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। आपको क्लोज से दिखाता हूँ, ये देखिए सारे मेडल्स हैं। स्नो वेरियर की ड्रेस को भी देखिएगा, ये देखिए जब आप स्नो में जाते हैं तो किस तरह की आपकी ड्रेस होगी, और ये स्कीइंग करने के लिए, और ये कुछ माउंट एवरेस्ट पे अगर चढ़ना चाहें आप, तो इनको आपको जरूरत पड़ेगी औजारों की माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। कोई भी जंग हो हथियारों से जीती जाती है, तो अलग अलग तरह के विशाल काय हथियार यहाँ पर आपको दिखेंगे। हर किस्म की यहाँ रिवॉल्वर और गन पिस्तौल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ मॉडल्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत सुंदर हैं। और इसके अलावा आपको मैं अगर लेके चलूँ तो माइंड योर हेड, एक ये सेक्शन भी है, अगर इसमें चलें तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर,
बहुत ही सुंदर, शब्दों में बयान करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये यहाँ पर आकर ही आप इसका आनंद ले सकते हैं। ये देखिए कितनी पुरानी तोप है, ये तोप तो ऐसे लग रही है जैसे कोई बाजा हो, पर बाजा नहीं है, ये तोप है। सैलानियों का यहाँ पूरा रश रहता है, आप देख सकते हैं हर तरफ से, हर दिशा से, कोई हिमाचली टोपी में है, कोई पंजाब से है, कोई हिमाचल से है, कोई महाराष्ट्र से है, हर जगह से यहाँ पर आपको सैलानी मिलेंगे। ये प्रतिमा आपने ज्योतिसर में देखी होगी, पर उसका मॉडल यहाँ पर भी है। महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, हर महान शख्सियत का चित्र भी यहाँ पर अंकित किया गया है। एक म्यूजियम इस तरफ भी है, ये देखिए ये भी म्यूजियम है, और हर जगह जो इतिहास है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अंकित किया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग कलाकृतियां हैं जो आपको दिखा रही हैं गौरवशाली इतिहास का, इंडियन आर्मी का। अमर जवान ज्योति देखी होगी, वहां पर भी आपको ये बंदूक दिखी होगी, यहाँ पर भी उसी तरह से मौजूद है। तहट ये सोविनर शॉप भी यहाँ पर है, कुछ खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। और ये है शौर्य हॉल, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अभी मैं हूँ शौर्य हॉल के अंदर, देखिए कितने सुंदर यहाँ पर चित्र आपको दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। यहाँ फ्लैग्स लगे हुए हैं और बेहतरीन फर्नीचर जो किसी टाइम से आज तक उसी तरह से संभाला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिशियल्स किसी टाइम पर बैठे हैं, और यहाँ पर देखिए सभी लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हुए, यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर पिक्चर्स हो रही हैं। शौर्य हॉल से जब आप बाहर निकलेंगे तब देखिए इसकी खूबसूरती, यहाँ से आप देखिए अगर आप यहाँ फोटो कराएं खड़े होके तो फोटो कितनी जबरदस्त आएगी आप इमेजिन करिए, यहाँ करवा भी रहे हैं लोग। और ये पेड़ देखिए, देवदार के घने वृक्ष हैं, हरियाली चारों तरफ है और फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ पर मिलती है आपको अगर आप यहाँ पर आते हैं। मैं तो यही कहूँगा जब भी प्रोग्राम बने भाग करके सब काम छोड़ करके यहाँ पर आ जाइए और इंजॉय करिए कुदरत की खूबसूरती का। आपने देखा ये है मेन म्यूजियम, और इसी के साथ में एक है ग्लास म्यूजियम, ये भी इसी तरह से बहुत अद्भुत है। तो ये है ग्लास हाउस, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अंदर आकर आप देखेंगे कि कैक्टस पौधे की जो है अलग अलग किस्मों को बहुत ही खूब तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए सामने आपको एक पेड़ दिखेगा, यहाँ पर आप आराम से आकर के तस्वीरें खींच सकते हैं, क्योंकि ये बनाई इसी तरह से हुआ जैसे सभी लोग खींच रहे हैं। सुंदर सुंदर फूल हैं और मछलियों के एक्वेरियम भी हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ से बाहर आप निकलेंगे तो आपको देवदार के घने वृक्ष नजर आएंगे और हरियाली चारों तरफ आपको नजर आती दिखाई देगी और आपका मन यहाँ पर आकर के खुश हो जाएगा। ये है कैफे अन्ना, चलिए आइए कुछ ट्राई करते हैं। तो ये यहाँ का मेन्यू है, वैसे आपने बाहुबली पिक्चर तो देखी होगी बट असली में बाहुबली मैगी नहीं देखी, और वो बाहुबली जो मैगी है वो यहाँ की फेमस है, तो चलिए वही ट्राई करते हैं। मेरे लिए आप एक बना दीजिए वो बाहुबली मैगी जी, थैंक यू। इतने दोस्तों मैगी तैयार होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए खूबसूरत नजारा जो है, ये है गोल्फ ग्राउंड, ये आज का नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये अंग्रेजों के जमाने का है। और आप देख सकते हैं वो सामने हेलीकॉप्टर जो खड़ा है, ये यहाँ के ऑफिशियल्स यूज करते हैं, यानी आर्मी ऑफिशियल्स यूज करते हैं, और या यहाँ पर जो राष्ट्रपति आते हैं या यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वो इसको यूज करते हैं अब आने जाने के। शिमला लोग आते हैं वो रिज और माल रोड घूम जाते हैं, पर असली खूबसूरती का जो नजारा है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कितने लोग अलग अलग दिशा से यहाँ पर आते हुए हैं, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर हैं। हाँ जी सर, आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। कौन सी जगह से जी? तो कैसा लग रहा है आपको, कब आए थे? क्या मतलब? बिल्कुल बढ़िया। देखिए हरियाणा की भाषा जो है ना वो लठमार भाषा है, और जब बोलते हैं तो पता लगता भी बंदा हरियाणा का है, जैसे टाइपराइटर में होता है ना कि मारते कहीं और लगता हाँ वैसा ही। चलिए करते हैं बाहुबली मैगी को ट्राई। वाकई लाजवाब है, जैसे बाहुबली पिक्चर में बहुत दम था वैसे यहाँ अन्ना जो कैफे है इसकी मैगी बाहुबली मैगी में बहुत दम है। आइएगा तो जरूर खाइएगा। तो मेरे साथ है उमेश गुप्ता जी। उमेश गुप्ता जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपकी मैगी खा के मन मेरा प्रसन्नित हो गया। तो ये आप आइंदा आएंगे तो आपकी जरूर यही मैगी खाएंगे हम तो यहाँ पर आकर। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा कैफे अन्नास अनाडेल शिमला, 3 साल पहले हमने ये काम शुरू किया और आज भगवान की दया से ठीक चल रहा है। और हमारी यहाँ की बाहुबली मैगी बहुत फेमस है, जिसमें कि हम वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव्स और पनीर, मशरूम, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, इस चीज़ सब इंग्रेडिएंट्स के द्वारा तैयार किया जाता है। और
अच्छी बुलंदियों पे पहुंची हुई है। तो आप जब भी आए, यानी मेरे इस चैनल के थ्रू भी देखेंगे, तो सफरनामा का नाम लेकर के आप इनके पास आ जाइएगा, ये और बढ़िया बना के आपको खिलाएंगे। थैंक यू।